सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। चलिए आज फिर से दोबारा अपन इसको पूरा कर लेते। एक अपना पद्मासन में जो उपासन है उसके साथ किए जाने वाले आसन हैं वो बाकी बचा था, तो आज पूरा करेंगे और फिर आपको ध्यान में रहे इसलिए उसको कल बिना बोले मैं पूरा दोहराऊंगा। आज समझा करके और कल बिना बोले मौन रह करके, खाली कल का अपना वीडियो रहेगा, बिल्कुल चुपचाप मैं पद्मासन लगा करके उसके साथ किए जाने वाले आसन मैं आपको बताऊंगा। आज अपन काउंट कर लेंगे। देखो ये इतने सारे आसन अपन पद्मासन के साथ में करते हैं तो लगभग लगभग पूरे बॉडी का एक्सरसाइज अपना हो जाता है उसमें। देखिए सबसे पहले तो ये पद्मासन करेंगे हम। देखो पद्मासन में ये देखो ये हाथ, ये नंबर वन आप काउंट करना। आज खाली काउंट करके बताऊंगा कितने आसन पद्मासन के साथ में करते हैं। नंबर वन, ये होने के बाद में इसमें धीरे धीरे सांस अपन को करने मैंने बताया है, और फिर बाद में दूसरा जो है वो ये नंबर टू, दूसरा पद्मासन में आसन हम कर रहे हैं जो एक बार मतलब आपको बता दूं पहले पीछे कैसे करते हैं वो बता दिया मैंने पहले। देखो यूं पकड़ के रखना है इसको दोनों को और धीरे, अब इसमें रेचक पूरक कुंभक चलेगा। जब अपन मात्र पद्मासन करते हैं तो धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना, मगर जब ये इस आसन पे आते हैं तो रेचक पहले मतलब सांस को बाहर निकालते हुए। बाहर निकालते हुए क्यों, कि जब अपना पेट सिकुड़ जाएगा ना तो आसन करने में बहुत आसानी रहती है, और फिर बाद में कुंभक वहीं रुके रहना, और फिर बाद में हम 10 सेकंड तक, और उसके बाद में पूर्व स्थिति में आना। चलो दूसरा आसन है पद्मासन में, फिर से एक बार, तीसरा आसन पद्मासन में हम यूं बांधेंगे इसको पीछे से, ऐसे पीछे पीछे हाथ दे करके इसको यूं मुट्ठी बांध देंगे, है ना, और उसको आसमान की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तीसरा आसन है, चौथा आसन इसके साथ में, ये हाथ यूं करेंगे और यूं रखेंगे, ठीक है। अब फिर उसको हम अपन स्वाभाविक तौर से क्या है, नीचे जाएंगे तो थोड़ा सी कोहनी नीचे आ जाएगी, मगर बाद में अपन पोजीशन में जाएंगे तो उसको सीधा करने की जितना सीधा कर सकते उतना करने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें रेचक करते हुए सांस छोड़ते हुए इसके बाद में पांचवा आसन वज्र पद्मासन, इसको हम झूलासन, पांचवा आसन जो है झूलासन, अब इसी में पद्मासन में देखो कितने आसन हो रहे, पद्मासन से लेकर काउंट कर रहे। ये छठा आसन वज्र पद्मासन, ये आपका फिटनेस टेस्ट है,
यदि आप पकड़ नहीं पा रहे दोनों की दोनों तरफ से उंगलियां, तो आपका पेट की चर्बी, आपकी बॉडी जो है वो कंट्रोल से बाहर है, ये मान लेना। और जब पकड़ पा रहे हो तो सही है। और उसके बाद में वज्र पद्मासन के बाद में अब अंत में छठा हो गया, ये सातवां अंत में जो है सुप्त वज्रासन, इसका नाम क्या करेंगे हम, सुप्त वज्रासन, मतलब सुप्त पद्म वज्रासन, पद्मासन में रह करके। देखिए इसे सांस छोड़ते हुए आपको और फिर ये दोनों हाथ यूं कान कंधे के पास लेकर के गर्दन को आपको पीछे लेकर के इसका फायदा क्या है, ये तो सारी बॉडी तो ये हो ही जाती, रिलैक्स हो जाती, मगर साथ साथ में गले में टॉन्सिल वगैरह कुछ गले की बीमारी है, आपके थायराइड है, तो उसमें भी इसका फायदा होता है। इस तरह से पूरे पद्मासन को गिन करके सुप्त वज्र पद्मासन तक पूरे सात आसन हम इसी आसन में बैठ करके करते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारे सात आसन आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके पूरे बॉडी को बहुत रिलैक्स हो जाता है। और यही सात आसन जो है हम पैर बदल करके कर लेंगे दोबारा, तो वो दोबारा अब बहुत सारे हो गए ना, एक साथ टाइम आपका होता जा रहा है, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं। कल मात्र जो है आपको एक साथ मतलब पूरा इसको ये सातों आसन जो है बिना बोले मतलब आपको एक बार रिपीट कर दूंगा, और परसों हम इसके आगे के आसन की तरफ चलेंगे। आप इसको ध्यान रखना, जैसे आपने इस पैर से किए बाद में यही सातों आसन जो है आप पैर बदल करके कर सकते हैं। ये पैर बदल लिया और फिर वही पद्मासन से आपको शुरू करना है दोनों पैर को लेकर के, तो सात और सात 14 हो जाते हैं। ये पैर बदल लिया तो मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि ये दोनों को करूँगा तो आपका समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो आसन मैंने इस पैर को लेकर के किए थे उस पैर को ऊपर लेके वही सात आसन आपको करने हैं। निश्चित तौर पे आपको इसका अपने बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, ये ज़बरदस्ती मत कीजिए, जितना आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, पीछा भी मत छोड़िए और ज़्यादा ज़बरदस्ती भी मत कीजिए। बस ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, यथाशक्ति यथासंभव, जितना संभव है उतना ही करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।